प्रतियोगिता के लिए मारुति जाएगा प्रतियोगिता के लिए। वाह प्रिय वाह, अति सुंदर अंग वस्त्र है ये। इसको मैंने बड़े ही जतन से बनाया है। किसके लिए बनाया है? उसके लिए जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। फिर तो ये मेरे लिए ही बनाया होगा। इसका रंग कितना लुभावना है, और इस पे लगे मोती तो देखो बड़े प्यार से सजाए हैं। ये मुझ पर बहुत जचेगा। धन्यवाद। माँ, इतना सुंदर अंगवस्त्र आपने किसके लिए बनाया है? ये मैंने उसके लिए बनाया है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पता है, इसके एक एक मोती को मैंने बड़े ही जतन से पिरोया है, और इसके एक एक धागे में मेरा प्यार समाया है। माँ, ये रंग तो मुझ पे बहुत जचेगा। नहीं नहीं, ये वस्त्र तो मुझ पर अधिक सजेगा। पिताश्री, ये तो आपके लिए बहुत छोटा है। प्यार से दिए गए किसी भी उपहार की मूल्य व आकृति नहीं, उपहार देने वाले की मात्र भावना देखी जाती है। ठीक है पिताश्री, इसे आप ले लीजिए। से मारुति की उदासी देखी नहीं जा रही। मुझसे भी इसकी उदासी देखी नहीं जाती स्वामी। हमें इसे सत्य बता देना चाहिए। सचमुच प्रिय, ये अंगवस्त्र तो मेरे लिए अत्यंत छोटा है। देखा पिताश्री, देखा, मारुति ने भी तो यही कहा था ना पिताश्री। प्रिय, कहीं तुमने ये मारुति के लिए तो नहीं बनाया? मैंने तो प्रारंभ में ही कहा था, ये उसके लिए है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और मारुति से अधिक प्रिय भला कौन हो सकता है मेरे लिए? ये रंग तो मुझ पे कितना अच्छा लग रहा है माँ। माँ, आपने सचमुच बहुत सुंदर रंग वस्त्र बनाया है मारुति के लिए। देखा तुमने सखा, कैसा है ये माँ का बनाया हुआ अंग वस्त्र। माँ, मारुति और उसकी सखा को ये अंगवस्त्र बहुत प्रिय लगा। धन्यवाद माँ। जिस परिवार में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना होती है, वो परिवार यदि निर्जन मन के एकांत में भी रहे
तो वो वहां भी स्वर्ग का सा अनुभव करेगा। किंतु जिस परिवार में द्वेष, कलह और दुर्भावना हो, उस परिवार के सम्मुख चाहे जितनी भी भौतिक सुविधाओं का अंबार परोस दिया जाए, वो हमेशा सुख से वंचित ही रहेगा।